सो हेलो वन, तो ये है मेरे पास सीगेट का 1 TB का स्टोरेज, जो कि हम लोग कहते हैं हार्ड ड्राइव, जो कि मेरे पास हार्ड ड्राइव है। मेरे लैपटॉप से निकला क्योंकि मेरे लैपटॉप में हार्ड ड्राइव का कुछ शायद इशू था, या फिर हार्ड ड्राइव सही है लेकिन मेरा विंडोज़ बहुत स्लो हो गया था, तो मैं इसको अपग्रेड कर लिया SSD से। तो ये आखिर मेरे पास बच गया HDD जो कि 1 TB का है। तो अब मैं इसको एज ए पोर्टेबल हार्ड ड्राइव यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं आज ही इसके बारे में इसका इंक्लोज़र का अनबॉक्सिंग करूँगा और साथ में दिखाऊँगा कि इंक्लोज़र में कैसे इसको हम लोग लगाया जाता है और कितना इंक्लोज़र कहाँ से मैं इंक्लोज़र लिया हूँ सिर्फ और सिर्फ 500 में। तो मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, साथ साथ चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको टेक्नोलॉजी वीडियो इस चैनल पर लगातार मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं ये है मेरे पास हार्ड ड्राइव का इंक्लोज़र। देख सकते हैं यहाँ पर दो तरह का हार्ड ड्राइव का इंक्लोज़र आता है। एक आता है 2.0 USB SATA SSD इंक्लोज़र और एक आता है 3.0। तो 3.0 फास्ट होता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे 3.0 फास्ट होता है, तो इसलिए मैं 3.0 लेके आ गया हूँ सिर्फ और सिर्फ 500 में। और 2.0 400 में था, तो मैं तो 3.0 ही लेते आया। तो अब मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ कि इसको कैसे हम लोग लगा सकते हैं और कैसे हम लोग इसको पोर्टेबल डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, पोर्टेबल 1 TB का हार्ड ड्राइव बना सकते हैं इसको। तो मैं ये मार्केट से लिया हूँ, तो मैं बता दूँ आपको कि बस आप लोग को मार्केट में यही इंक्लोज़र मिल जाएगा और साथ साथ इसको आपको पास एक स्क्रू मिलेगा, जो स्क्रू यहाँ पर हमारा देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रू है इसको खोलने के लिए। तो इसको हम लोग खोलते हैं, इसके अंदर जल्दी से हार्ड ड्राइव को लगाते हैं। तो ये हमारा स्क्रू निकल चुका है। और ये दूसरा स्क्रू निकाल चुके हैं। तो अब ये हमारा जो हार्ड ड्राइव ऐसे निकल चुका है, तो यहाँ पे हमारा HDD रखाएगा और यहाँ पे इसका पिन रखाएगा। तो पहले मैं इसको साइड में रख देता हूँ। तो इसको आप लोग को आराम से निकालना, क्योंकि सेंसिटिव रहता है, इसको आप लोग आराम से निकालिए। और जो आपका ये हार्ड ड्राइव है, इसमें आप लोग आराम से पीछे की तरफ ऐसे आपको बस लगा देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें पीछे तरफ ऐसे इसको लगा देना है, इस तरह से लगाना है। और बस आपको थोड़ा सा पुश करना है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे ये लग जाएगा। तो थोड़ा इसको अच्छे से यूज़ कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। थोड़ा सा भी इसका बोर्ड इधर उधर हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, फिर आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। तो ये मैं लगा दी हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा लग चुका है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर, ये रहा इसका केस जो कि इसमें हम लोग को लगाना है। तो बस इसको सिंपली बस इसको ऐसे नीचे करना है, अलाइन करना है, थोड़ा सा इसको नीचे करना है और इसको थोड़ा सा हम लोग को इसको फिक्स करना है इस साथ हम लोग को। तो यहाँ पर ये रहा मेरा और ये ऐसे फिक्स हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा हार्ड ड्राइव जो फिक्स हो चुका है अच्छे तरीके से। तो अब इसको हम लोग ये जो इंक्लोज़र दिया गया है, इस साथ हम लोग इसको ऐसे हम लोग को डाल देना इसमें, और डालते के साथ ही हमारे पास ये जो दो यहाँ पर स्क्रू मिला था, तो स्क्रू हम लोग को क्लोज़ कर देना है। बहुत ही सिंपल है, खासकर कि आपका अगर लैपटॉप का हार्ड ड्राइव जो ख़राब होता नहीं है एक्चुअली, हो उसको आप लोग एज ए बिग फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं और स्टोर भी रख सकते हैं, तो आप लोग के लिए ये भी सही है। तो आप लोग आराम से इसको भी आप लोग रख सकते हैं, तो इसको आप यूज़ करिएगा। तो इसको मैं इसका दूसरा स्क्रू भी बंद कर दिया हूँ और ये बंद हो चुका है अच्छे तरीके से। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को मिलता है ये जो है SATA SSD है 2 USB। तो इसकी हम मुझे इसी के साथ मिला हुआ है, तो कोई मैं एक्सटर्नल ख़रीदा नहीं हूँ, ये जो केबल है तो मैं ख़रीदा नहीं हूँ। तो और ये USB वाला है, बस सिंपली आपको इसे प्लग कर देना है। और ये प्लग हो चुका है, बस आपको अपने लैपटॉप या अपना कंप्यूटर में डालना है और ये पोर्टेबल तैयार हो गया है। तो यही था ये SSD जो कि 500 मिला। आप लोग किसी भी मार्केट में जाइए, यहाँ पर बोलिएगा 3.0
SATA HDD इंक्लूजर चाहिए तो आपको निकाल के दे देगा और वो अराउंड 500 के आसपास मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी अगर मार्केट में नहीं मिलता है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जिससे आपको 600 या 700 के अराउंड आपको मिल जाएगा वो इंक्लूजर, तो वो भी अच्छा है। तो लेकिन आपको मार्केट से आपको सस्ता मिल रहा है तो आप क्यों ऑनलाइन लेंगे, अगर नहीं मिलेगा तब आप लोग ये ले सकते हैं। तो मेरा वीडियो थोड़ा सा चलता है, मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ साथ चैनल पर नहीं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको टेक्नोलॉजी वीडियो इस चैनल पर लगातार मिल जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Over the edge, feel like I'm floating through the air.